एक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई वो ये थी कि मिडिल ईस्ट में उथल पुथल होगी। उसने कहा कि महामारियां आएंगी। अब देखिए अपने आसपास में जो महामारियां चल रही है। उसने कहा कि सारे संसार में उथल पुथल होगी। अब देखिए पूरी दुनिया में कैसे भय छाया हुआ है और पूरी दुनिया में सेनाओं का बढ़ना, ये सब कुछ। उसने कहा कि ये सब निशान है इस बात के कि मसीह का आना नजदीक है। अब देखिए संसार खुद ही अपने आप को खत्म कर लेगा अगर खुदा बीच में नहीं आते हैं तो। जनरल मैकआर्थर ने कहा था कि अब बारी है आर्मागेडन की, और वह सही थे। अब बारी है आर्मागेडन की, और यह एक अलग किस्म का युद्ध होगा। यह युद्ध अगर हुआ तो यह पूरी दुनिया पर विनाश को लेकर आएगा और परमेश्वर बीच में आएंगे। और मुझे नहीं लगता कि हम कोई परमाणु युद्ध को देखेंगे। ये मुझे लगता है, ये मेरी अपनी विचारधारा है। मुझे नहीं लगता कि कोई, जब तक कि वह किसी पागल किस्म का इंसान नहीं है, क्योंकि बहुत से पागल किस्म के इंसान भी होते हैं, जैसे हिटलर था। मुझे लगता है कि वह शायद दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था। अगर उसके पास एटॉमिक बॉम्ब होता तो वह जरूर गिरा देता। और हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा चेन रिएक्शन हो जाए, लेकिन मुझे विश्वास है और बाइबल बताती है कि परमेश्वर के पास इंसान जाति के लिए एक और योजना है। मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु दोबारा फिर आएंगे और परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, और हम जो मसीह यीशु को जानते हैं और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है, हम मसीह यीशु के साथ राज्य करेंगे। और मैं उस दिन के इंतजार में हूं जब वह दोबारा वापिस आएंगे। उसने कहा कमरे में दो लोग होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो जहाज चला रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आर्मगेडन का रास्ता बिल्कुल सदोम और अमोरा के विनाश के जैसा ही होगा, पवित्र बाइबल हमें बताती है। अब ध्यान दीजिए, उनके पास एक झूठी सुरक्षा थी और आज हमारे पास भी झूठी सुरक्षा है। हम अपनी आर्थिक शक्ति और मिलिट्री ताकत पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यह सब बस एक पल में विनाश हो सकता है। यशाया अध्याय 31 वचन 1 में लिखा है कि हाय उन पर जो सहायता के लिए मूर्ति पूजकों के देश की तरफ भागते हैं और घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, पर वे यहोवा पर दृष्टि नहीं डालते और ना ही परमेश्वर की खोज करते हैं। वे परमेश्वर पर दृष्टि नहीं डालते, हम परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं, हम और बातों पर भरोसा कर रहे हैं। हम अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट पर भरोसा करते हैं, हम मिलिट्री पावर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन ये सब चीजें हमें नहीं बचा सकती हैं। हमें जरूरत है परमेश्वर की, हमें जरूरत है उसके पास जाने की।